हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शीतला माता पूजन के लिए प्रसाद कैसे बनाएं। उसमें हम सबसे पहले हम बनाएंगे पूरिया। गुड़ की पूरिया बनाने के लिए हम आटा लेंगे और उसके अंदर घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम उसको ध्यान से धीरे धीरे खोलेंगे। इसके लिए हमने पहले वो भी तैयार कर लिया था, गुड़ का पानी। अब हमने गुड़ का पानी भी तैयार कर लिया था। अब हम इसको खोलते हैं। जैसे आप हम रोज़ आटा गूंथते हैं सिंपल, वैसे ही हम रोज़ गूंथेंगे। और अब हम धीरे धीरे करके गुड़ का पानी पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाता हूँ गुड़ का पानी, ये है गुड़ का पानी। और ऐसे करके हम धीरे धीरे करके आटा गूंथेंगे। आटा गूंथ जाएगा तब ऐसा हो जाएगा। ऐसे गूंथने के बाद ये हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसको कपड़ा बिछा के 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसके ऊपर कपड़ा छा दिया है। अब हम हल्का हल्का तेल लगा के इसको थोड़ा स्मूथी कर लेंगे। हमने 2 मिनट इसको ढक के रखा था। ऐसे ऐसे थोड़ा कर करके ऐसे ऐसे स्मूथ कर लेंगे। जैसे कि ये स्मूथ हो चुका है। इसको स्मूथ होने के बाद हम इसके बेलना लेंगे और हल्की और हमने कढ़ाई पे तेल गरम करना लगा दिया है। अब हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे और पूरी बनानी स्टार्ट करेंगे। हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे, उसको पहले गोल मोल करेंगे और फिर चकले पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, अब चकले पे थोड़ा सा तेल लगा दिया। अब हम इसके पास पूरी को अच्छे से बेलेंगे, जैसे हम रोटी के ऊपर बेलते हैं। और हमने बेलने के ऊपर भी हल्का हल्का तेल लगा दिया है। अब हम अच्छे से इसको बेल सकते हैं। जैसे हम रोज़ घर में रोटियां बेलते हैं, वैसे ही हम आज पूरियां बेलेंगे। ऐसे पूरियां बेलेंगे, हम ऐसे सारी पूरियां बेल लेंगे। जैसे कि अब हम सारी पूरियां बेल लेंगे। जब ये सारी पूरियां बन जाए फिर हम उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब हम धीरे धीरे करके पूरियां बेल लिए हैं, देख लिए आप। जैसे कि हम 1-2 और पूरी आपको बेलते हुए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम पूरियों को बेलना दिखाते हैं। जैसे कि हम ऐसे बेलना दिखाएंगे, देख सकते हैं आप। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके पूरियों को बोलेंगे, जब तक पूरियाँ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब एक साइड से पूरी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब फिर हम दूसरी साइड से पूरियों को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऐसे करते करते हम सारी पूरियाँ बेलेंगे। पूरियों को ऐसे धीरे धीरे करके बेलेंगे। देख सकते हैं आप, दोनों साइड से ये पूरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम आपको एक पारी और पूरी बेल के दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमने एक और पूरी बेलने लगा दी है। अब ये भी हल्की हल्की एक साइड से गोल्डन ब्राउन होगी, फिर हम उसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर देंगे। ऐसे करके हम दोनों पूरियों को गोल्डन ब्राउन करते हैं। फिर अब हम सारी पूरियों को ऐसे ही करना है। जब हमारी सारी पूरियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और हम सारी तल लेंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम ऐसे बेल सकते हैं। अब हमारी सारी पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी है। धन्यवाद।